महाविकास आघाड़ी और भाजपा में फिर एक बार जंग छिड़ गई है। जब से आघाड़ी की सरकार बनी है तब से ही दोनों पक्षों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। ठाकरे सरकार ने फडणवीस सरकार के लिए कई बड़े निर्णय बदल दिए हैं। इनमें से एक निर्णय से तो भाजपा को बड़ा झटका पड़ा है। ठाकरे सरकार ने सरपंच का चुनाव जनता से किए जाने का भाजपा का निर्णय बदल दिया है। अब सरपंच का चुनाव सदस्य करेंगे। ठाकरे सरकार के इस निर्णय का पूर्व पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने खंडन किया है। ग्राम पंचायत मधून सरपंचाची निवड होऊ नये जनतेमधून हा निर्णय फिरवला, यामध्ये माझं असं मत आहे की हा शासनाचा जरी अधिकार असला तरी ग्रामीण भागाच्या जनतेला ग्राम पंचायतला विश्वास देऊन या निर्णयाचा फेरविचार केला पाहिजे, कारण ग्रामीण भागातली जनता मतदार टेबल सरपंच पाहिजे आहे। सदस्यातून सरपंच निवडून आल्यानंतर अविश्वास प्रस्ताव मोठ्या प्रमाणावर कलेक्टरकडे केसेस राहतात, अविश्वासाचं वातावरण राहतं। स्टेबल सरपंच असला तर मला वाटतं की ग्राम विकासामध्ये त्याचा फायदा होतो। याचा घाईघाईत निर्णय न करता सरकारने पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातल्या सर्व ग्रामपंचायतकडनं मत मागवावं। मेजॉरिटी जर मत आलं की नाही बाबा हा आम्ही ग्रामपंचायत सदस्यातून करतोय तर लोकांना मान्य आहे, तसा करावा। पण माझं असं मत आहे की फडणवीस सरकारने घेतलेला ग्रामपंचायतच्या सरपंचाचा निर्णय जनतेने निवडून याचा योग्य होता। जनतेचं असंच मत होतं, मतदाराचं असंच मत होतं। या निर्णयाचा सुद्धा मला वाटतं थोडासा विचार वेगळा करावा, कारण घाईघाईत निर्णय करू नये, ग्रामीण भागाच्या जनतेला विचारून करावा। महाविकास आघाड़ी और भाजपा में फिर एक बार जंग छिड़ गई है। जब से आघाड़ी की सरकार बनी है तब से ही दोनों पक्षों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। ठाकरे सरकार ने फडणवीस सरकार के लिए कई बड़े निर्णय बदल दिए हैं। इनमें से एक निर्णय से तो भाजपा को बड़ा झटका पड़ा है। ठाकरे सरकार ने सरपंच का चुनाव जनता से किए जाने का भाजपा का निर्णय बदल दिया है। अब सरपंच का चुनाव सदस्य करेंगे। ठाकरे सरकार के इस निर्णय का पूर्व पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने खंडन किया है। ग्राम पंचायत मधून सरपंचाची निवड होऊ नये जनतेमधून हा निर्णय फिरवला, यामध्ये माझं असं मत आहे की हा शासनाचा जरी अधिकार असला तरी ग्रामीण भागाच्या जनतेला ग्राम पंचायतला विश्वास देऊन या निर्णयाचा फेरविचार केला पाहिजे, कारण ग्रामीण भागातली जनता मतदार टेबल सरपंच पाहिजे आहे। सदस्यातून सरपंच निवडून आल्यानंतर अविश्वास प्रस्ताव मोठ्या प्रमाणावर कलेक्टरकडे केसेस राहतात, अविश्वासाचं वातावरण राहतं। स्टेबल सरपंच असला तर मला वाटतं की ग्राम विकासामध्ये त्याचा फायदा होतो। याचा घाईघाईत निर्णय न करता सरकारने पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातल्या सर्व ग्रामपंचायतकडनं मत मागवावं। मेजॉरिटी जर मत आलं की नाही बाबा हा आम्ही ग्रामपंचायत सदस्यातून करतोय तर लोकांना मान्य आहे, तसा करावा। पण माझं असं मत आहे की फडणवीस सरकारने घेतलेला ग्रामपंचायतच्या सरपंचाचा निर्णय जनतेने निवडून याचा योग्य होता। जनतेचं असंच मत होतं, मतदाराचं असंच मत होतं। या निर्णयाचा सुद्धा मला वाटतं थोडासा विचार वेगळा करावा, कारण घाईघाईत निर्णय करू नये, ग्रामीण भागाच्या जनतेला विचारून करावा।